जी कैसे हो? ठीक ठाक हो? ठीक हो बच्चों? घर पे मन लग रहा है कि नहीं? किस स्कूल को मिस कर रहे हो? तो यू मिसिंग स्कूल? वैसे रोज कहते हैं, हाँ ये होता ही है बच्चे। स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है, जब तक जाते हैं तब तक लगता है कि है क्यों जाना पड़ रहा है, लेकिन जब नहीं जाने को मिलता तो पता चलता है क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। चलो, आई होप सब मिलके दुआ करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं ताकि जल्दी जल्दी लाइफ कम बैक टू नॉर्मल। तभी तक के लिए ये ऑल्टरनेटिव जो हमारा चल रहा है सिस्टम, इस पे हम एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हमने जो दो चार बातें की थी, माइनर, कोफैक्टर, डिटरमिनेंट कैसे निकालना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस कहे थे करने को, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो। चलिए, तो हमने कल काम किया था डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम आज इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की जो भी यूज होने वाली हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। लेट अस से मेरे पास एक है मैट्रिसेस ए, जिसको मैंने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, और एक मैंने उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिया और फिर जो मैट्रिसेस बनी उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट। डू यू थिंक दिस टू आर गोइंग टू बी इक्वल और नॉट इक्वल? क्या कहते हो आप? क्या मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज दोनों के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। लेट अस से मैंने एक लिया ए, 1, 2, 3, 4, 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज किया तो क्या 1, 2, 3 and 4। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो क्या करते हो, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जब हमने कैलकुलेशन की थी दोनों केसेस में सेम ही रहा था डिटरमिनेंट। अब क्या फर्क पड़ा? ये पहले रो में पढ़ा था, अभी कॉलम में चला। मतलब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं या इसका डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। सो नोट दिस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। कल हमने 3 by 3 का निकाला था, 2 by 2 का नहीं निकाला था। बताओ जरा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। एक मिनट, अभी पहले इसको निकाल लो, मैं एक सेकंड में जाती हूँ वापस, इसको पहले इसको कैलकुलेट करते हैं जो चल रहा था, एक सेकंड के लिए इसको कंप्लीट करके फिर उस पे। हाँ जी, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर निकालो इसका डिटरमिनेंट। से फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें, 1, कोफैक्टर 4। इस पोजिशन के लिए कोफैक्टर और माइनर सेम ही था। अगला एलिमेंट है 2 और माइनर तो 3 है, कोफैक्टर क्या होगा? -3, क्योंकि ये पोजिशन है 1, 2, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस, 4 - 6 - 2। तो 2 by 2 डिटरमिनेंट में हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे करो? दिस इनटू दिस डायरेक्टली माइनस दिस इनटू दिस। a12 इनटू a22 माइनस a21 इनटू a12। सीधा सीधा हमारे पास मेथड हो जाता है 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के। चलिए जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.4, आपको एक डेल्टा दिया है, ए आई जे दिए हैं कोफैक्टर्स, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा। बेटा वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या थी? देखो, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये डिटरमिनेंट दिया है। पहली ऑप्शन में फर्स्ट रो ले रखी है, a11 a12 a13, लेकिन कोफैक्टर्स किसके लिए? इसके, ये वाला एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर। तो दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है? मेरे पास आंसर होना चाहिए a11 इनटू इट्स कोफैक्टर,
A12 into its cofactor, A13 into its cofactor. जो एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है दैट इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. और ये बताओ देख करके कि किससे एक्सपेंशन कर रखी है. डी ऑप्शन में एक्सपेंशन किस रो या किस कॉलम से की हुई है. कैन यू मेक आउट. देखो बच्चे, जब भी हमने कैलकुलेट करना था डिटर्मिनेंट तो क्या बताया था. हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. जिस भी रो या जिस भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड करो उस रो के एलिमेंट उठाओ और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर. ठीक है जी. A11 है तो उसके साथ में कैपिटल A11 जिसमें कि ये तीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफैक्टर्स, तभी मेरे पास डिटर्मिनेंट बनता है. ये नहीं है कि ये एलिमेंट ले लो और इसका कोफैक्टर ले लो जो कि ये ऑप्शन में दे रखा था. ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी. अभी हम 2 मिनट रुक करके देखेंगे कि कोई एलिमेंट और किसी और का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या बन जाता है. अगर मैं इस तरीके से देखूं तो डी ऑप्शन पर थोड़ा सा नजर डालो. एलिमेंट है A11, उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, एलिमेंट A21 कोफैक्टर कैपिटल A21, एलिमेंट A31 कोफैक्टर कैपिटल A31. सो डी इज करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब में अगर आप देखते हो एलिमेंट कोई और है, कोफैक्टर किसी और का है. साहिल इज इट ओके. यस सर. अब मैंने ये पूछा जो डी ऑप्शन है इसमें एक्सपेंशन किस रो या किस कॉलम से कर रखी है ये आइडेंटिफाई कर पा रहे. फर्स्ट कॉलम बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट कॉलम से हमने एक्सपेंशन करी. A11 इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर. अब ये क्वेश्चन हम इस पर आ ही गए हैं तो हम एक काम करते हैं. अभी हमने देखा, हम 2x2 में ही चेक कर लेते हैं. हमने क्या किया था, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर. अब हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं एक क्वांटिटी की. उसको डिटर्मिनेंट तो नहीं कह सकते कि एलिमेंट तो ये लें. ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं. एलिमेंट ये ले रहे हैं लेकिन कोफैक्टर्स इसके ले लेते हैं. ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं. एलिमेंट मैंने लिया A11 और कोफैक्टर में ले रही हूं ये एलिमेंट A12 और कोफैक्टर A22. ये मेरा A11, A12, A21, A22. एलिमेंट कौन से लिए. 1, 1, 1, 2 मतलब पहली रो के एलिमेंट और कोफैक्टर्स नीचे वाली रो के. कैलकुलेट करके देखते हैं जरा क्या बनता है. A11 है 1, इसका कोफैक्टर -2. अब एलिमेंट A12 और इसका कोफैक्टर 1, क्या आएगा. -2 + 2 आंसर क्या बन गया 0. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी आप एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा डिटरमिनेंट. लेकिन जैसे ही आप एलिमेंट कोई तो कोफैक्टर किसी और का ले लोगे तो हमेशा आपका आंसर बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट व्हाट आई सेड. डिटरमिनेंट निकालने के लिए मस्ट क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट लिया उसी का. अगर एलिमेंट कोई और है और कोफैक्टर किसी और का ले लिया तो आंसर होगा 0. समझ गए ये बात को. ये प्रॉपर्टी करी. सेकंड प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो, इफ एन एलिमेंट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ सम अनदर रो और कॉलम then the value is going to be 0 always. Then the value is going to be 0 always. Ma'am, the case is true in 3x3 matrix also? Also, everywhere it is true.
अगर आप ट्राई करना चाहते हो हम करके देख लेते हैं. लेट अस से 10 माइनस 3 5 8 7 2 माइनस 2 1. लेट अस से हम फर्स्ट रो ले लेते हैं और थर्ड रो के कोफैक्टर्स ले लेते हैं. पहला एलिमेंट ए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के कोफैक्टर्स से. 2 का कोफैक्टर बताओ जरा निकाल के फटाफट. उनकी तो कोफैक्टर ऑफ 2 ये और ये छोड़ा, ये 0 प्लस 24 माइनर है कोफैक्टर. माइनस के प्लस दो का कोफैक्टर क्या है बच्चों, प्लस 24 और माइनस 24, प्लस 24. अगला एलिमेंट 0, तो ये टर्म 0 इसका कोफैक्टर भी हमें इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाने वाला है. अगला एलिमेंट माइनस 3, इसका कोफैक्टर ये गया 8, 24 माइनस 24, आंसर इज अगेन 0. सो व्हेनेवर आई एम टेकिंग एलिमेंट ऑफ वन रो कोफैक्टर्स ऑफ सम अनदर रो, माय आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, वेदर इट इज अ 2 बाय 2 मैट्रिसेस और 3 बाय 3 मैट्रिसेस. नेक्स्ट है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं और जो रिजल्ट रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनी उसका डिटर्मिनेंट निकालू, या मैं इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई कर लू, माई आंसर इज गोइंग टू बी सी. अनदर रिजल्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड रिजल्ट रो वाला था, वो मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ डिक्टेट कर दिया था. फोर्थ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना. डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट. N is the order of determinant. Let us say 2 by 2 is an example. Calculation thodi si aasan ban jati hai. Hum iska determinant nikalte hain. Kya aayega? This into this minus this into this. Matlab mera ban jayega answer 11. 2 by 2 mein seedha seedha humne nikal liya. This into this minus this into this. Kyunki wahi banta hai element into ko factor karke. Ab main kya keh rahi hu? K into A. Let us say 3 into A. सबसे पहले अगर ये ए है तो 3a हो जाएगा 3, 6 माइनस 9 और 15, ठीक है जी. अब 3a का डिटर्मिनेंट निकालें, 15 इंटू 3 प्लस 99. ध्यान से देखना, ये 11 ये 99. कैन आई राइट दिस एज 3 स्क्वायर इंटू 11. अब इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो k की वैल्यू 3, क्योंकि मैंने 3a का डिटरमिनेंट निकाला था, ये क्या बन गया, a का स्क्वायर, और 11 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ k, ये 2 आया. n क्या था, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट. यहां मेरे डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 है, तो दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 11. अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसके क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे एक डिटरमिनेंट की वैल्यू को. ये पॉइंट समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनी डाउट इन दिस फोर्थ प्रॉपर्टी? चलिए अभी हम बहुत लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, जो इस पार्ट में मेरे पास यूज होने वाली है. तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जितनी जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टीज की बात अभी हम कर रहे हैं. चलिए जी, अब इसके बाद एक और चीज, सिंगुलर मैट्रिसेस. राइट डाउन, अ मैट्रिस इज सेट टू बी सिंगुलर, सेट टू बी सिंगुलर इफ its determinant is
नॉट जीरो means determinant of A not equal to zero, then A matrices is singular. Sorry. Determinant of A equal to zero. If determinant of A matrix is said to be singular if its determinant is zero. A matrix is said to be singular if its determinant is zero. And non-singular if determinant of A is not equal to zero. Singular hogi matrices agar determinant of A zero ho jaye, aur non-singular hogi agar not equal to zero ho us matrices ka determinant. ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस. ध्यान से समझना क्या है ये एडजॉइंट. मेरे पास एक मैट्रिसेस है ए ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू. मैं क्या कर रही हूं, मैं एक मैट्रिसेस लू जिसमें मैंने इन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखे और इन कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते, देन दिस बिकम्स एडजॉइंट ऑफ ए. ए डी जे ए, दिस इज हाउ वी राइट इट एंड हाउ वी प्रोनाउंस इट, वी से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस. दोबारा देखो क्या किया हमने, ये मैट्रिसेस थी, हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसी की पोजिशन पर लिखा और जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस बनी उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, it means finally adjoint of A will be A11, A12, A21, A22. This is adjoint of A. हाँ जी, is this point okay? कुछ नहीं करना है हमने, हर एलिमेंट का कोफैक्टर उठाना है, उस कोफैक्टर को उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे लिख देना है, जो फाइनल मैट्रिसेस बन जाए उसका ट्रांसपोज ले लेना है, जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी उसको हमने नया नाम दे दिया, द नेम गिवन टू दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एक 2x2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट अस से मेरे पास मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिसेस ले लेते हैं, 1-3-5-8. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या करना है, कोफैक्टर्स लिखने हैं. 1 का कोफैक्टर 8, माइनस 3 का कोफैक्टर माइनस 5, 5 का कोफैक्टर 3 और 8 का कोफैक्टर 1, इसका लिया ट्रांसपोज. तो देखो जरा क्या बनी मेरी मैट्रिसेस, 8-5-3-8. This is nothing but adjoint of this matrices. Have you understood this point? 2x2 में समझ में आया तो 3x3 में चलेंगे. कोई doubt है इसमें तो बताओ, फिर मैं repeat करूँ. हमने क्या करना था, हमें ये मैट्रिसेस दे रखी थी एक 2x2 और मुझे कहा जाए कि इस 2x2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैलकुलेट करो. क्या कैलकुलेट करो, फाइंड एडजॉइंट.
जो भी मैट्रिसेस है उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और उसको उस एलिमेंट के कोफैक्टर की जगह लिख दो. यहाँ एलिमेंट था वन और इसका कोफैक्टर मुझे पता है आठ होता है. माइनस तीन का कोफैक्टर माइनस पांच, माइनर पांच है यहां पर नेगेटिव साइन जाते थे तो माइनस पांच हो गया. अब जब पांच का कैलकुलेट करोगे तो माइनस तीन से नेगेटिव करने पर तीन और आठ के लिए एक. पहले यहां तक बात बताओ, ये समझ में आई? इज दिस फर्स्ट स्टेप क्लियर? को फैक्टर्स जो लिखे हमने, चलिए अब फिर मैंने क्या कहा, को फैक्टर्स की जो मैट्रिसेस बन गई उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज. ये मैंने मैट्रिसेस लिखी, इस पूरी मैट्रिसेस का अब करना है ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो. तो यहां पहली रो थी आठ माइनस पांच, उसको मैंने पहले कॉलम में ले गए और जो सेकेंड रो थी थ्री वन उसको सेकेंड कॉलम में ले गए. तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस है इसको एक नया नाम दे दिया. क्या नाम दिया? एडजॉइंट ऑफ ए. So, adjoint of a matrices is obtained by taking the transpose of matrices formed by cofactors of the matrices. एक बार दोबारा देखो और जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है वो पॉइंट पूछो फटाफट से. देखो एक बार, हाँ जी, इज दिस ओके, इज द कॉन्सेप्ट ओके? चलिए फिर एक बार एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी लिख लो ताकि कभी पढ़ने जाओ तो पता हो कि हाउ टू डिफाइन. राइट, हाउ वी डिफाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस? राइट डाउन, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस का ही एडजॉइंट होगा. ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन. Adjoint of a matrix is A, A I J M by N, or I write N by N because square matrices E होने वाली, is defined as transpose of the matrices A I J N by N, where capital Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of a matrix is A, जो मैंने define करी Aij n by n, is defined as transpose of the matrices capital Aij n by n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij and it is denoted by adjoint A. This is how we represent it. It is denoted by adjoint A. Ab ek kaam karo, main ek matrices abhi 2 by 2 hi le rahe hain. 3 minus 5, 7, 0. ये मेरी मैट्रिसेस है A. इसका एडजॉइंट आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है. रो वाइज आंसर करना. फर्स्ट रो देन सेकंड रो. जीरो पांच, फर्स्ट रो जीरो पांच माइनस सात तीन. परफेक्टली ओके. जीरो पांच इज द फर्स्ट रो, माइनस सात तीन इज द सेकेंड रो. एक और का कर दो, फिर वहीं से एक कंक्लूजन भी निकालेंगे. अभी बी मैट्रिसेस है, लेट अस से माइनस
एट थ्री माइनस थ्री कर लेते हैं टू वन एट जॉइंट ऑफ भी बताओ क्या है हाँ जी फर्स्ट रो ऑफ एडजॉइंट बी वन थ्री सेकेंड माइनस दो माइनस आठ परफेक्टली ओके माइनस दो माइनस आठ परफेक्टली ओके वन थ्री इज फर्स्ट रो माइनस थ्री माइनस एट इज अनदर रो. अब एक ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना जो बात में कहने जा रहा हूं. ये इसका एडजॉइंट जरा डायगोनल के एलिमेंट यहां पर देखो और डायगोनल के एलिमेंट यहां पर देखो क्या हुआ. ये डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए. यहां तीन था यहां जीरो था एडजॉइंट में यहां जीरो यहां तीन. सेम ऑब्जर्वेशन यहां पर भी है. यहां माइनस आठ एक था यहां एक और माइनस आठ. समझ में आ रही है क्या किया हमने. ये टू बाय टू मैट्रिसेस की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम. टू बाय टू मैट्रिसेस में एडजॉइंट लेते हुए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट पर थोड़ा सा नजर मारो. यहां माइनस पांच था पांच हो गया यहां सात था यहां माइनस सात था यहां माइनस तीन था तीन हो गया यहां दो था यहां माइनस दो हो गया. समझ में आई. इसका मतलब अगर एक टू बाय टू मैट्रिसेस दी है और उसका एडजॉइंट लिखने को बोला जाए तो विद इन सेकेंड यू कैन राइट. कैसे. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो. जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दो जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव. दोबारा से देखो क्या कहा मैंने. ये ए मैट्रिसेस इसका एडजॉइंट लिखने को बोला जाए पूरा तरीका तो हमें आता ही है क्योंकि जब थ्री बाय थ्री पे जाओगे तो तरीका ही लगाना पड़ेगा वहां ऐसा काम नहीं चल रहा. टू बाय टू भी चल जाता है. क्या करा हमने. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज. डू यू गेट व्हाट आई से. ये सिर्फ ट्रू है टू बाय टू मैट्रिसेस के केस में नॉट इन केस ऑफ थ्री बाय थ्री मैट्रिसेस. चलो फिर एक मैट्रिसेस दे रही हूँ फटाफट से बता देना तो एक सेकंड लगाना है. लेट अस से मेरे पास है तीन माइनस दस ग्यारह आठ एडजॉइंट ऑफ सी. पहली रो आठ दस आठ दस माइनस ग्यारह तीन. दस तीन नहीं. हाँ बच्चों ध्यान रखना एक बात को. ये इंटरचेंज इनके सिर्फ साइन चेंज इनकी पोजीशन नहीं बदली. कई बच्चों ने इनकी पोजीशन बदल दिया ये पोजीशन नहीं बदलनी. ध्यान रहे डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज ये यहां था ये यहां चला गया. इन दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है इनकी पोजीशन नहीं बदली. ये दस दस ही ये माइनस दस था यहाँ दस ही रहेगा सिर्फ साइन चेंज हुआ. यहाँ ग्यारह था यहाँ ग्यारह ही रहेगा सिर्फ साइन चेंज. कुछ आंसर्स में मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये भी चेंज कर दिए हैं. ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा वो उसके सिर्फ साइन में चेंज आएगा. डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशंस में चेंज ऑफ डायगोनल के साइंस में चेंज. एक और फटाफट से कर दो तो कुछ का गड़बड़ था. सो अब ध्यान से करना. देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक. फिर चार दो फिर गड़बड़ करते चार माइनस दो और ये चार यहां गया एक ने यहां आना है इसने माइनस तीन आना है.
बिल्कुल ठीक है, चार माइनस दो माइनस तीन एक, चलो जी समझ में आ गई बात। ये तो बात हुई टू बाय टू मैट्रिसेस की, अब थोड़ा सा झगड़े वाला काम थ्री बाय थ्री मैट्रिसेस, क्योंकि उसमें ना तो ऐसा कोई हमारे पास मेथड है और एलिमेंट भी हैं नौ, और उसके कोफैक्टर कैलकुलेट करना भी कोई बहुत बच्चों वाला खेल नहीं है, ठीक है। सो फटाफट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फोकस होके बैठो, एक थ्री बाय थ्री मैट्रिसेस देने लगी हूँ, उसका एडजॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। थोड़े सी दिक्कत वाला काम है, फिर चलो कोई बात नहीं, दिक्कतों की तो आदत है हम। फर्स्ट है 133 फर्स्ट रो, 143 सेकंड रो, 134 थर्ड। मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए चुप रहूंगी, और तो मुझे आदत नहीं है चुप रहने की, मैं बीच में बोलती रहती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई कीप क्वाइट। सबके को फैक्टर्स लिखने हैं, ट्रांसपोज लेना है, एडजॉइंट निकालना है। लेट मी सी व्हाट यू डू। करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लिखो, ट्रांसपोज लो और फाइनल आंसर। सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री, एक का गलत आ रहा है एक का ठीक आ रहा है। सेवन माइनस थ्री इज द फर्स्ट रो, हाँ सेकेंड रो मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ जॉइंट का ट्रांसपोज देने के बाद जो फाइनल है। सेवन माइनस थ्री माइनस वन वन जीरो एंड माइनस वन जीरो वन, ठीक है जी, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। Anybody who is not getting this answer, जिसका नहीं आ रहा वो रिस्पॉन्ड करो, फिर कैलकुलेशन पार्ट में करती हूँ अगर नहीं आ रहा है किसी का। No one is responding. So should I assume ये सबका हो गया? Not coming. Okay. लो जी. फिर calculation करते हैं. नहीं आ रहा है. Adjoint of A मैंने यहाँ देखा. यहाँ पर transpose का भी sign मैं डाल रही हूँ.
क्योंकि अब मैं करस्पोंडिंग की कोफैक्टर्स लिखने वाली हूँ. चलिए जी, वन का कोफैक्टर 16 माइनस 9 7, कोफैक्टर माइनर में इस पोजीशन पे फर्क नहीं आता, 1, 2, 3 और 4, ये चार पोजीशंस पर फर्क आता है. अब इसका कैलकुलेट करें तो 4 माइनस 3 1, मतलब कि -1. ठीक है जी. नेक्स्ट, इस 3 के लिए 3 माइनस 4 माइनस 1, यहां पर फर्क नहीं है माइनर और कोफैक्टर का. नेक्स्ट एलिमेंट 12 माइनस 9 4, और 12 माइनस इसके लिए ये रो ये कॉलम 12 माइनस 9 3, और पोजीशन में फर्क सो -3. अब 4 पे जाएं तो 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव ही रहने वाला है. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 0, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं. यहां पर जाएंगे तो 9 माइनस 12, यहाँ पे 9 माइनस 12 माइनस 3 विल बी -3, क्योंकि यहाँ पर माइनर को फैक्टर का साइन चेंज सेम है. ये और ये जाएगा तो बन जाएगा 0, और 4 के लिए 1. ठीक है जी. अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तब फाइनली एडजॉइंट के मिलने वाला है. So I write it here. Adjoint of A. When I take the transpose, it becomes 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 and -3 0 1. So first row 7 minus 3 minus 3, second -1 1 0, third -1 0 1. अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट गलत आ रहा हो तो वो बता दो. हाँ जी, जिनका नहीं निकल रहा था लक्षिता शायद, इफ आई कैन रिकॉल दिस नेम करेक्ट. ओके बच्चे, अब चलिए अंडरस्टूड. ओके जी, चलिए. तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द एडजॉइंट. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई विल से वेरी 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 इंपॉर्टेंट. A into adjoint A is determinant of A into IN, where N is the order of matrices A and IN is denoting the identity matrices of order N. This is same as adjoint of A into matrices A. बहुत ही ज़्यादा important property है. क्या कहा हमने? हमने एक matrices ली थी, उसका adjoint निकाला. जब मैं उस matrices को और adjoint को multiply करूँ तो मेरे पास जो एंड रिजल्ट बनना चाहिए, दैट शुड बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हम एक 3x3 मैट्रिसेस का एग्जांपल लेकर के चलेंगे. a11 a12 a21 a22 a23 a31 a32 a33. अब एडजॉइंट ए लिखना है. एडजॉइंट ए जब मुझे लिखना है तो इसका मतलब क्या है? मुझे एडजॉइंट ए में कोफैक्टर्स लिखने हैं. किसके? इसका, इसका, इसका और फिर उसका ट्रांसपोज लेना. ध्यान से देखना, मैं एडजॉइंट ए कैसे लिख रही हूं. आई एम राइटिंग कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13. इसके कोफैक्टर्स कॉलम में चले गए. ऐसे ही हो रहा था. हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या कर रहे थे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये कोफैक्टर्स लिखे, A21 A22 A23 A31 A32 A33, और फिर लिया इसका ट्रांसपोज. जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो ये कॉलम में कन्वर्ट हुई. ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम विल बी A21 A22 A23
और नेक्स्ट विल बी ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री. बच्चों ये मैंने एडजॉइंट ए कैसे लिखा ये बात सबको क्लियर होगी. Anyone who is not able to understand how I have written adjoint of A for this matrices A? Ma'am, you have taken the transpose directly. ये मेरे पास A matrices थी. Simple. इसकी बात करूँ तो ये मेरी A matrices थी. मैंने पहले ये इसके cofactors लिखे corresponding और ऊपर ये भी transpose लगा है. यहाँ जब मैंने लिखा तो मैंने transpose लेकर के लिख दिया. ओके बच्चे चलिए अब मैंने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई. दिस व्हाट आई हैव रिटन एज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे करते थे. ए वन वन इंटू कैपिटल ए वन ए वन टू कैपिटल ए वन टू ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री इन सब की एडिशन. क्या ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज थी एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर क्या डिनोट करता था ये? मैम डिटरमिनेंट. तो पहली एंट्री को मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया. परफेक्टली ओके समझदार बच्चे बैठे हैं दिक्कत कोई है नहीं. अब ध्यान से सोच के बताना अगले में क्या करोगे. ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर ये इनटू ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर और ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनना चाहिए. एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेकंड के जीरो. परफेक्टली ओके सो सेकंड एंट्री इज गोइंग टू बी जीरो. ये सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया. यहां से देखो जब मल्टीप्लिकेशन के रूल से चलेंगे ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई ए वन वन कैपिटल ए टू वन ए वन टू कैपिटल ए टू टू ए वन थ्री कैपिटल ए टू थ्री मतलब इनके कोफैक्टर्स ये वाले एलिमेंट तो हमने भी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी की थी. आंसर हमेशा होगा जीरो. अब जरा अगले एंट्री के बारे में भी सोच के बता दो क्या होगा. जीरो अगली रो भी बताओ जरा क्या होगी. आई एम राइटिंग इट बताना जरा क्या ये सही बात है. यस मैम. एवरीवन अग्रीज. चलो गुड. अब एक बात और बताना क्या मैं इसको लिख दूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस. बस फिर रिजल्ट प्रूव हो गया. मैं ए इनटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिसेस. दिस इज सेम एज एडजॉइंट ए इनटू ए. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसी को यूज करके अभी हम इनवर्स निकालने वाले हैं अपने मैट्रिसेस. यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोल. मैम प्लीज रिपीट वो जीरो कैसे है फर्स्ट रो में. हम क्या कर रहे थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया मतलब ए वन वन एलिमेंट इसी का कोफैक्टर ये एलिमेंट इसी का कोफैक्टर ये एलिमेंट इसी का कोफैक्टर. ये चीज क्या होती है हमें पता डिटरमिनेंट होता है मेरा. और हमने इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी करी कि अगर मैं एलिमेंट इस रो के उठाऊं और को फैक्टर किसी भी और रो के ले उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मेरा आंसर जीरो बन रहा था. अभी क्लास की शुरुआत में थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूफ किया था. ठीक है जी. तो सेकंड एंट्री में आप एलिमेंट ये तीन उठा रहे हो और जब यहां से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो को फैक्टर्स इसके उठा रहे हो. मतलब इस एंट्री पर मेरे पास जो पोजिशन इस पोजिशन पर जो आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. वो आ रहा है ए वन वन ए टू वन ए वन टू ए टू टू ए वन थ्री ए टू थ्री. मतलब एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं लेकिन को फैक्टर्स सेकेंड रो के हैं.
और हमने ये पढ़ा कि ये वैल्यू हमेशा क्या बनती है, जीरो। एलिमेंट किसी रो के हो, कोफैक्टर किसी रो के हो, उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आंसर हमेशा जीरो बनता है। उसी लॉजिक से ये सारे के सारे जीरोस बन रहे हैं और ये आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाते हैं। एंड इज दिस पॉइंट ओके बच्चे? ओके मैम। आपने कर दिया ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हुई। अब हमने बात करनी है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की। अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में जब इनवर्स निकाला था मैट्रिसेस का तो डेफिनेशन बोली थी, क्या कहा था हमने? इफ आई हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए इंटू बी इज आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन बी बिकम्स द इनवर्स ऑफ ए। यही कहा था हमने। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी हमने प्रूव किया ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। अभी अभी प्रूव करके आते हैं इस बात को। अब मैं क्या कहूँ, आई डिवाइड इट थ्रू आउट विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। Provided, बहुत important point, provided determinant of A is not equal to zero, determinant of A is not equal to zero। और जब क्योंकि zero quantity से तो division कर नहीं सकते, non zero से ही कर सके। इसका मतलब मेरी matrices A कैसी है, singular है कि non singular? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो था तो मैट्रिसेस सिंगुलर थी कि नॉन सिंगुलर थी? नॉन सिंगुलर मैम। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से थ्रू आउट डिवाइड कर सकती हूँ। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं यहां लिख दूं इसको ए, इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज बिकमिंग आइडेंटिटी मैट्रिसेस, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इन वन ब्रैकेट। नाउ इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते, अगर मैं इस पूरी मैट्रिसेस को बी कह दूं तो क्या ये बात ट्रू हो रही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर बी इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो कैन आई से, ध्यान से सुनना, यहां हमने कहा था बी ए का इनवर्स है। क्या मैं यहां कहूं ए इनवर्स इज adjoint of A upon determinant of A? Again, very important formula. So this is another method of calculating inverse of a matrices. एक तरीका हमने row transformations का use किया, दूसरा तरीका ये है, matrices दे रखी है उसका adjoint निकालो, उसका determinant निकालो, इनको आपस में divide करो, जो एंड रिजल्ट आ जाए दैट बिकम्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। एक मिनट लगा के पूरी चीज को वापस समझो, जिस स्टेप में प्रॉब्लम है वो रिपीट करने को। ओके जी बच्चों, हमने पिछली से पिछली क्लास में बात की थी कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी,
उनको मल्टीप्लाई करने पे एंड रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाए और बी इंटू ए करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस आए, तब हमने क्या कहा था, हमने कहा था बी ए का इनवर्स हो जाता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया, प्रूफ किया रिजल्ट, ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई इज सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थ्रू आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिविजन कर, आई सेड ये पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, इसका मतलब ए कैसी मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मैंने थ्रू आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया। अब मैंने ए के साथ इस पूरी चीज को ब्रैकेट में डाल के लिख दिया एडजॉइंट ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां से भी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद ए। नाउ आई हैव डन द कंपैरिजन ऑफ दीस टू। अगर मैं कंपैरिजन करती हूं तो यहां पर जिस बी मैट्रिसेस की मैं बात कर रही थी वो इस रिलेशन से बन रही है एडजॉइंट ए इनटू सॉरी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमने कहा था अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाए तो बी ए का इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू विच इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ये ए का इनवर्स है, और ए इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए पावर में कर दिया माइनस वन। सो व्हेनेवर यू आर सपोज टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस क्या करोगे, उस मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालोगे और उसके डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर दो। तो हमारे पास इनवर्स निकालने के दो तरीके हो गए, एक हम कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या कॉलम लगाएं, दूसरा तरीका है एडजॉइंट निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, डिवाइड कर दें और इनवर्स। देख लो जल्दी से, फिर से रेपिटेशन की जरूरत है। हाँ जी, एनीवन हु वांट्स द रिपीटेशन, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक मैं मैट्रिसेस दे देती हूँ तुम्हें, फटाफट से उसका इनवर्स कैलकुलेट कर दो, फिर इसकी दो चार पांच प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से लिखो एक मैट्रिसेस जिसका इनवर्स तुमने मुझे निकाल के बताना। प्रॉपर्टीज दो तीन ही है, फटाफट से वो तो हम कर लेंगे। पहले आप मुझे इनवर्स निकाल के बता दो। मैट्रिसेस ले लेते हैं हम 1-1-1 अच्छा यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल लिख लो, अब मैट्रिसेस इज इनवर्टिबल, a matrices is invertible if it is non-singular, बहुत important point, अगर matrices singular हो गए determinant of a zero हो जाए, denominator में zero आ गया तो inverse defined ही नहीं रहे, ठीक है, इसका मतलब हर एक matrices का inverse नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ non-singular matrices का ही inverse निकाला जा सकता है। क्या लिखा मैंने, a matrix is invertible if it is non-singular, या सेम बात को मैं लिख सकती हूँ only non-singular matrices are invertible, only non-singular matrices are invertible, singular matrices are non-invertible, non-singular invertible, singular non-invertible। चलिए जी, मैं मैट्रिसेस लिख रही हूँ जिसका इनवर्स आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, क्योंकि आपको एडजॉइंट भी निकालना आता है और डिटरमिनेंट भी निकालना आता है। 1-1-1 2-1-0 I'm waiting for your answer. 1-1 is the first row, 2-1-0 is second, 1-0-0 is third.
तो एडजॉइंट हुआ मेरा 0, 0, 1, 0, -1, -1, 1, 2, 1. दिस इज द एडजॉइंट. और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है? डिटर्मिनेंट के लिए मुझे क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट इसका कोफैक्टर 0, सेकंड एलिमेंट इसका कोफैक्टर 0, थर्ड एलिमेंट इसका कोफैक्टर 1. सो डिटर्मिनेंट इज 1. सो यही मेरा एडजॉइंट है और इसको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 से डिवाइड किया तो यही मेरा इनवर्स. हाँ जी बच्चों, डज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम टू माइनस वन. ओके, जस्ट चेकिंग. कर सकते हो अगर आप इनवर्स निकाला, दिस इज इनवर्स, अगर आपने इनवर्स निकाला और आप वेरीफाई करना चाहते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, क्या करो? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनना चाहिए. ऑल्दो काम बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट एटलीस्ट आपका आंसर वेरीफाई हो जाए. अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनेगी मेरा आंसर करेक्ट है, नहीं बनेगी तो फिर दिक्कत वाला. ठीक है जी, आई होप आई एम एबल टू मेक क्लियर वट एवर वी हैव डन टूडे. हमने आज देखा एडजॉइंट कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है. हर एक मैट्रिसेस इनवर्टिबल नहीं होती, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इनवर्टिबल होती है. बस दो तीन प्रॉपर्टीज, सिर्फ दो मिनट और लूंगी मैं आपकी, जल्दी से वो लिख लो. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का इनवर्स इज ए. एक बार इनवर्स किया, फिर से इनवर्स किया तो आंसर हो जाएगा ए. सेकंड, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स. इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, जैसे ट्रांसपोज वाला रिवर्सल लॉ लगा था यहां पर भी आपका रिवर्सल लॉ लग रहा है. ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स. आफ्टर दिस थर्ड प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज. मतलब ट्रांसपोज लेकर के इनवर्स लो या इनवर्स लेकर के ट्रांसपोज लोगे, दोनों में आपके पास कोई डिफरेंस नहीं है. दो प्रॉपर्टीज और हैं जो इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं कर रहे, अगली क्लास में करेंगे. विद फ्रेश माइंड विल स्टार्ट विद दैट. अभी ये तीन प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है और होमवर्क नोट करो. क्या है आज का एक्सरसाइज 4.5, यू विल बी एबल टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 12. होमवर्क फॉर टुडे, एक्सरसाइज 4.5 टिल question number 12. Okay ji. Hello. Hello. Haan ji, haan ji, bolo beta. Hello, good evening ma'am. Haan ji bolo. Haan ji sir, boliye. मैम इनको बोलना कि मैथ्स की जो असाइनमेंट इनको दी थी वो सबमिट करें व्हाट्सएप वाले नंबर पे. मैम इज डिमांडिंग, प्रिंसिपल मैम इज डिमांडिंग असाइनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. इनको कोई दी हुई है अभी आपने? दीपा मैम, जो हमने मैट्रिसेस की असाइनमेंट आपने भी दी थी और मैंने भी इनको भेजी हुई थी, तो प्रिंसिपल मैम पूछ रहे हैं कि इन्होंने काम किया है या नहीं किया, ये सबमिट करें. एक या दो बच्चे ने अभी सबमिट किया, बाकियों की नहीं आई है, तो वो सबमिट करें व्हाट्सएप वाले नंबर्स. होगा
आपको जो असाइनमेंट मिली हुई है जितना पार्ट हमारा मैट्रिसेस का हो गया है, सर ने भी आपको कोई असाइनमेंट दी है और एक असाइनमेंट आपको हमारी तरफ से भी गई, उसमें जो भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं वो आप मेकआउट कर सकते हो, कहाँ तक हो गया आज तक का काम, यूनिवर्स तक का, और जो वो फटाफट से सब बच्चे करके और व्हाट्सएप वाले नंबर पे सबको सबमिट करो जल्दी से। कल मैं आगे क्लास तभी शुरू करूंगी, अगला काम तभी करवाना मैंने जब पिछला कंप्लीट होगा, वरना ये थोड़ी आगे चलते जाए पिछला कर रही उसका तो बेनिफिट कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, सो मेक श्योर कि कल तक आप सब अपनी असाइनमेंट्स का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करोगे और सर के पास वो असाइनमेंट्स भेजो। ठीक है जी मैम, इनको दो मिनट रुकने को भी कहना ताकि मैं इनसे थोड़ा सा बात करूं। ठीक है बच्चों, आप अभी दो मिनट अभी अपना लॉग आउट मत करना, वीनू मैम वांट्स टू टॉक टू यू, दो मिनट के लिए आप जरा मैम से बात करें। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी बैठना है जाना नहीं है, मैम से बात करें। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आप भी रुक जाओ, कोई ऐसे ठीक है। हाँ जी, every student